हेलो दोस्तों, मैं आप सबसे सॉरी चाहता हो क्योंकि मैं आया हो बाहर और वीडियो नहीं डाल पा रहा हो। आप इस भाई की वीडियो देखो और एंजॉय करिए। ये ओरिजिनल बोर्ड का है मगर ये 87 से पहले बनाया हमने। 87 से पहले खराब बंद हो गए सब। जी जी, तो हम पटरी पे निकला जी, यहाँ पे पटरी पे बैठे। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो अभी शाम के 8:30 बज चुके हैं। केडी ना बहुत टाइम से पीछे पड़ा है कि मुझे अपने साथ घुमाने ले जाओ श्रीनगर स्मार्ट सिटी। तो मैं सोचा आज नाइट व्लॉग बनाएंगे क्योंकि नाइट के टाइम ना बहुत ही चमकती है श्रीनगर स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिंदर गया, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। अभी कोई स्पेसिफिक जगह चूज नहीं की है, फिलहाल निकलते हैं आगे जाके डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो गाइस शाम के लगभग 9 बज चुके हैं और ये देखिए कितना ट्रैफिक है अभी भी। गाइस ये देखिए क्या चमक रही है अभी सिटी, हर तरफ लाइट्स लगाए गए हैं ये देखिए। तो गाइस केडी बोल रहा है हम जाएंगे डल लेक क्योंकि वहाँ पे ना अभी बहुत ही चहल पहल होती है टूरिस्टों की, तो फिलहाल चल रहे हैं आगे जाके देखते हैं। ठीक है, ये चेक करें गाइस क्या सीन है अभी, वो देखिए लाइटनिंग पहाड़ों पे। वीडियो पे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, सामने ना अलग ही व्यू है इसका। गाइस यहाँ से नया रोड बना है ना, तो अभी ना सच में अलग ही मजा आ रहा है अभी इस पे चलने में। एक तो नाइट के टाइम आपको पता ही है क्या मजा आता है घूमने में, ऊपर से ऐसा रोड हो तो अलग ही मजा आता है। गाइस शाम के 9 बज चुके हैं और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे टूरिस्टों की। यहाँ से ना चलने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है यहाँ पे टूरिस्टों की। ये सारे बाहर के टूरिस्ट ही है। गाइस ये देखिए क्या मस्त रोड बना हुआ है, अब लग रहा है कि हाँ हम स्मार्ट सिटी में हैं। अभी यहाँ से कंस्ट्रक्शन ही चल रही है लेकिन जब कंप्लीट होगा ना फिर ना सच में और भी मज़ा आएगा। अभी इतना मज़ा आ रहा है, फिर यहाँ से जब डेवलप होगा अच्छे से, जब यहाँ से पार्क से सब पार्क्स वार्क्स बनेंगे फिर अलग ही मज़ा आएगा। तो जी गाइस ये है सिटी वॉक मॉल, बिगेस्ट मॉल इन श्रीनगर, वहाँ पर भी जाएंगे लेकिन अभी हम आए हैं डल लेक घूमने के लिए। और ये देखिए ये है यहाँ पर चर्च। ठीक है, सीधे जाना हमको डल लेक के लिए। गाइस ट्रैफिक देखिए क्या है यहाँ से, डल लेक साइड ना ज़्यादातर रात के टाइम भी घूमने आते हैं क्योंकि रात के टाइम भी अलग ही मज़ा होता है वहाँ पे। दिन में भी अपना ही मज़ा है और रात के टाइम भी अपना ही मज़ा है। यहाँ से ना चलने की भी जगह नहीं है, ये देखिए कितना सारा ट्रैफिक है भाई। गाइस पेट्रोल ना थोड़ा सा भी नहीं है बाइक में, आप जाएंगे यहाँ पे पेट्रोल डालने के लिए और ये देखिए यहाँ पे भी लाइटनिंग लगी हुई है, स्मार्ट पेट्रोल पंप। जी गाइस अब डालते हैं 70 रुपीज़ का पेट्रोल। तो गाइस मेन रोड से ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए हम गलियों से ही आए। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम डल लेक, ये देखे ये रहा जी अपना डल लेक, गलियों से ही आए अभी, पता नहीं कहाँ किस घाट पे पहुंचे हम ना लेफ्ट साइड से जाते हैं, हम देखते हैं अगर साइकिल मिला ना भी रेंट पे हम साइकिल लेंगे। ठीक है, ये देखे यहाँ से रेस्टोरेंट्स वेज पंजाबी हट पंजाबी रसोई, ये यहाँ से होटल्स ये सब है। अभी ये देखे क्या चमक रहा है अभी डल लेक, और कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर टूरिस्टों की। डल लेक में ना शाम में अलग ही मज़ा आता है, रात में नाइट लाइफ डल लेक का। गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ पे हमको साइकिल मिलेगा रेंट पे, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं अगर मिला तो साइकिल राइड करेंगे। ठीक है, तो अलग ही मज़ा आएगा नाइट के टाइम साइकिल राइड करने में। ये चेक करें गाइस नाइट व्यू ऑफ डल लेक, ओ भाई क्या मस्त लग रहा है अभी सच में, दिन में इतना मज़ा नहीं है। ये देखिए ये जो यहाँ पे हाउस बोट्स है ना उनकी लाइट सा रिफ्लेक्ट हो रही है पानी में और उसकी वजह से देखिए कितना चमक रहा है पूरा डल लेक भाई, पूरा कलर्ड लेक लग रही है ये, ओ भाई साहब। और यहाँ से देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और केडी ना फुल एंजॉय कर रहा है अभी। केडी बोल रहा है दिन में इतना मज़ा नहीं है जितना अभी आ रहा है, क्योंकि केडी क्या लग रहा है आपको, दिन में यहाँ पे मज़ा आता है कि नाइट के टाइम? दिन में दिन मज़ा आता है, नाइट के टाइम मज़ा आता है। हाँ वो तो सही बात है, दिन में अलग ही मज़ा है और नाइट के टाइम भी अपना ही मज़ा है। बाकी अभी देख लो क्या सीन है यार, ये क्या बताऊँ मैं आपको, मस्त सीन है सच में भाई साहब। अगर हमारे साथ बाइक नहीं होती ना तो मैं ना अभी लॉन्ग वॉक पे जाता केडी के साथ, केडी और वो चेक करें वहाँ से अभी कैसा मौसम हो रहा है। और ये रहा शंकर आचार्य मंदिर, ओ भाई अगर अभी अलाउ करते ना वहाँ शंकर आचार्य के लिए चढ़ने के लिए, हम अभी वहीं पे चढ़ते क्योंकि वहाँ से ना अभी श्रीनगर का व्यू अलग ही दिखता क्योंकि पूरा लाइटनिंग से भरा पड़ा है ना अभी श्रीनगर, तो उससे अलग ही व्यू आता अभी। केडी हेलमेट उधर ही है, व्लॉगिंग भी ठीक है, हेलमेट उधर नहीं रखना अपना। चलिए जी देखते हैं थोड़ा आगे चलते हैं,
भाई ये देखो यहाँ से टूरिस्ट्स, मतलब इनको अलग ही मजा आता है यहाँ पे। वो देखिए वहाँ पे, ज्यादा जूम नहीं करूंगा, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो वहाँ पे बैठे थे इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी आप देख लो गाइस, आप तो अंदाजा लगा सकते हो इन लोगों को अभी हाउस बोट में कितना मजा आ रहा होगा। इतनी लाइटनिंग है चारों तरफ से हाउस बोट्स में, ये देखिए अलग ही मजा आ रहा होगा इनको अभी हाउस बोट्स में। ओ भाई साहब, मैं खुद एक नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ हाउस बोट्स में, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा वो मनी प्रॉब्लम है ना, वरना मैं करता एक नाइट स्पेंड हाउस बोट्स में। अभी भी शिकारा चल रही है, वो देखिए अभी भी टूरिस्ट घूम रहे हैं वहां पे शिकारा में, वो देखिए। और यहाँ पे भी लगी पड़ी है, अगर किसी को घूमना होगा तो आ जाए नाइट के टाइम भी, एंजॉय करे शिकारा राइड। एडी, आप क्या बोलना चाहते हो अभी, कैसा मजा आ रहा आपको यहाँ पे आके? अभी यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, हाँ? जो लाइट वाइट है यहाँ पे सब सजी हुई है, इसे थोड़ा जोर से बोलो, मेरे पास माइक नहीं है। मैंने बोला जो ये लाइट वाइट है यहाँ पे सजी हुई है, इससे मतलब डल लेक का नजारा और बेहतर हो जाता है। वही है ना, ये देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है पानी के साथ, वो तो है रिफ्लेक्ट हो रही है पानी के साथ, उस वजह से और भी अलग ही वो यूनिक सा व्यू लग रहा है यहाँ पे। सच में लग रहा है अभी अलग ही दुनिया में आए हैं, कश्मीर का होके हमको लग रहा है कि अभी हम किसी और दुनिया में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मजा है ना, पहल पहल टूरिस्टों की, हर तरफ से भीड़ देखे कितनी ज्यादा है यहाँ पे। इतनी रात होगी फिर भी देखे कितनी चहल पहल यहाँ पे टूरिस्टों की। गाइस ये चेक करे डबल डेकर बस, इसमें भी अभी अलग ही मजा है घूमने का और डल लेक का नजारा देखने का, ये देखिए। लेकिन इसमें ना ऊपर जो टॉप फ्लोर है ना उसी पे बैठना और देखना डल लेक का नजारा। ये वाली शिकारा देखे गाइस कितनी प्यारी लग रही है, इसने ना अंदर से इसको लाइटनिंग लगाई है और पूरा वाइट शिकारा, सच में बहुत ही प्यारी लग रही है अभी। ये देखे गाइस टूरिस्ट्स निकले नाव सवारी करने के लिए, शिकारा राइड करने के लिए, नाइट में अलग ही मजा आया यहाँ पे शिकारा करने में। गाइज अब हम और थोड़ा सा आगे चलते, फिर वहाँ पे देखते हैं कि कुछ और मैं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ना वो ट्रेडिशनल सरन मिलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, वो देखे वहाँ से पूरा मार्केट बना हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी हम मार्केट दिखाने के लिए नहीं आए हैं। ये देखिए पूरा मार्केट है यहाँ से, वहाँ पे ना हम किसी और दिन आएंगे, लेकिन नाइट के टाइम ही वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे वो मार्केट, ठीक है। दिल्ली जायका, यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, टोपियाँ मिल रही है, सर्दी है ना अभी टूरिस्टों के लिए, यहाँ पे टोपियाँ ये सब मिल रही है, यहाँ पे फूड ये सब मिल रहा है, फूड के आइटम्स ये सब, ठीक है। ये है पंजाबी हवेली, ओ बॉय। ये देखिए गाइस यहाँ पे ना शॉल्स ये सब मिल रही है, ये देखिए स्ट्रीट पे मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ना फुटपाथ है यहाँ पे, वहीं पे मिल रहे हैं, यहाँ से ना पूरा मार्केट लगता है फुटपाथ साइड शाम के टाइम ही, अभी ज्यादा लेट हुआ ना तो इसलिए ज्यादा वो अभी मार्केट नहीं है। ये देखिए गाइस ये ना वो गरम गरम कोट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जैकेट्स मिल रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे वो आसन, ओके, ये देखिए यहाँ पे वो, ओके, बेड रनर, बेड रनर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर टेबल, सेंटर टेबल, सेंटर टेबल ये से मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ से देखिए टूरिस्टों की कितनी ज़्यादा भीड़ है शाम के टाइम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये है अपनी शिकारा, पूरा वुडन का है, ये हैंडमेड है पूरा, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ना यहाँ पे पूरी हैंडमेड ही है, ये देखिए यहाँ से सूट्स शॉल ये सब मिल रहे हैं, ये देखिए सभी ना भी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। ये बैग्स देखिए, ये भी हैंडमेड बैग ही है, होम शूज ये भी हैंडमेड ही है, ये जो काम किया गया है ना कश्मीरी आइटम है, ये जो काम किया गया ना इस पे, ये भी हैंडमेड ही है। नाइट के टाइम में बेच रहे, पूरा मार्केट लगता है यहाँ पे। ये देखिए वो टोपियाँ ये सब, हमको तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बाहर से आता है ना उनके लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको ठंड लगती है यहाँ पे। ये देखिए इतने मोटे मोटे कोट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये पाउच ये भी हैंडमेड है सारा, पूरा ना यहाँ पे जो मैंने गली दिखाई यहाँ पे पूरा हैंडमेड ही मिल रहा है। ये देखिए शॉल्स हैंडमेड है सारा, ये देखिए बैग्स ये भी सारे हैंडमेड है। नाइट के टाइम भी अलग ही मजा है शॉपिंग करने का, ठीक है। अभी तो मुझे ये मार्केट ये सब नहीं दिखाना था, तो रास्ते में आया तो मैंने दिखा लिया, ठीक है। यहाँ से पूरे होटल्स ही है, यहाँ से आप ले सकते हो हाउस बोट अगर पानी के बीच में किसी को नाइट स्पेंड करनी है, और इस साइड ले सकते हो आप होटल्स, ठीक है।
और ये देखिए कितने बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पे राइट साइड से पूरे ना वहाँ से लेके वहाँ डल गेट स्टार्ट होता है ना वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे होटल्स ही होटल्स हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं ना और किसी दिन आऊँगा नाइट के टाइम में और पूरा एक्सप्लोर करूँगा यहाँ के मार्केट। उस टाइम जो व्लॉग बनेगा ना वो मार्केट पे ही बनेगा, ठीक है। डल लेक का मार्केट जो भी नाइट के टाइम लगता है, नाइट के टाइम यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट लगता है, पटरी मार्केट इसको बोलते हैं, वो नाइट के टाइम में लगता है, तो वो पूरा एक्सप्लोर करवाऊँगा मैं आपको। लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए गाइज यहाँ पे सेल लगी हुई है, ये देखिए एग्जीबिशन टाइप यहाँ पे लगा हुआ है, सेल्स है यहाँ पे, शॉल्स मिल रहे हैं, जैकेट, ये सब कुछ मिल रहा है, करेंगे वो भी एक्सप्लोर निकल के नेक्स्ट टाइम। ये देखिए गाइस पेपर मिशी चीजें मिल रही है यहाँ पे, ये देखिए और ये देखिए किचन है ना, शायद किचन है, ये वो मैग्नेट है कुछ, हाँ ये मैग्नेट है, ये क्या है एग किचन है ना ये भी, हाँ ये पेपर मिशन की चीज़ है। और ये है वो वाला गिटार, या बजा भी सकते हो लेकिन पता नहीं कैसे बजाना है, ठीक है। और ये भी पेपर मशीन का ही बना है ये शिकारा, ये देखिए कितने सारी चीज़ें मिल रही पेपर मशीन की, ये देखिए तो गाइस ये अंकल कुछ बोलना चाहते हैं आपको, जी बोलिए। ये ओरिजिनल गोड का है मगर ये 87 से पहले बनाया हमने, 87 से पहले। ओके हालात यहाँ बहुत खराब हो गए, सब शोरूम बंद हो गए। अच्छा शोरूम वालों ने दिया किराए पे, बैंक को दिया है, सबको दिया है। अच्छा 1987 से पहले बना है ये, 87 से पहले बना। अच्छा फिर यहाँ पे हालात खराब हुए, हालात खराब हुए, सब कारीगर छोड़ दिया जी जी, हाँ पहले बहुत सारे वो थे ना आर्टिस्ट यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है जी, जब तक मैं घर में हूँ तब तक मैं करता हूँ, बच्चों ने पढ़ा वो नहीं करते हाँ बच्चे नहीं करते, वो दिन भर कमरे में नहीं बैठ सकता जी। अब तो यहाँ पटरी पे निकला है, क्या वर्क था खराब बंद हो गए सब जी जी, तो हम पटरी पे निकला जी, यहाँ पे पटरी पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ हम उनके काम करते हैं, उनका बड़ा था ओके, उन्होंने बोला यहाँ पर लगाओ। अच्छा अच्छा ये ना यहाँ पे पटरी पे ही मिल रहे हैं सारी चीजें, ये देखिए मैं आपको लोकेशन देता हूँ यहाँ की, ये डल लेक इसके बिल्कुल सामने है, यहाँ पे वो बैंक भी है J&K बैंक, वहीं पे ये सारा सामान मिल रहा है जो भी आपको लेना हो, पेपर मशीन की चीजें बहुत सारी चीजें मिल रही है यहाँ पे। ये वाला है ना ये बहुत ही पुराना है, अंकल जी ने अभी बोला कितना पुराना है, ये रियर है बहुत ही रियर। ये देखिए ये जो प्लेट्स है ना ये ट्रे, ये भी वुडन की ही है, ये देखिए कितनी सारी चीजें मिल रही है, ये वो हुका टाइप है, एग है, क्रिसमस बॉल, ये सब फॉरेनर लोग ज्यादा लेते हैं हैंडवर्क पे ही। अच्छा इस तरह आज भीड़ है इसी तरह पहले, ज्यादातर आपसे कौन सी चीजें लेते हैं यहाँ से टूरिस्ट जब आते हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े फूलदान प्योर गोल्ड का बनता था, टेबल लैंप बनते थे जी, वुडन का भी है, टेबल लैंप बनते थे। कौन कौन सी चीजें ज्यादा बिकती है यहाँ पर फेमस, एक तो पश्मीना काम है जी, कालीन जी, पेपर माशी जो यहाँ का असली आइटम जी जी, कश्मीर का हाँ ओके, वो असली यहाँ के आइटम जी जी जी। चलिए जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हाँ थैंक यू सो मच। अभी शाम के 10:30 बज चुके हैं, अभी भी देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है लोगों की, टूरिस्टों की खासकर बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, पूरा मार्केट अभी ओपन ही है। आपको पता ही है मेरा मन है हाउस बोट पे नाइट स्पेंड करने का, उसके साथ साथ अब मुझे दूसरा शौक हुआ जो होटल है ना वहाँ पे, देखिए ऊपर रेस्टोरेंट के क्या बना हुआ है, वहाँ से मुझे लगता है अलग ही व्यू आता होगा डल लेक का, क्या करे यार 500 की बात है, मैं अभी जाता वहाँ पे कुछ खाने के लिए। ये देखिए गाइस कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, शॉपिंग कर रहे हैं लोग अभी भी, 10:30 बज चुके हैं लग रहा है, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, कितना चमक रहा है सच में, दिल खुश होता है यहाँ से आने से। गाइस बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका, मुझे लगता है आप घर ही जाएंगे क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, केडी को भी फोन करे घर वाले की आज अब लेट हो चुका, चले जाते हैं अब घर, अब मिलता किसी के घर में। गाइस ये देखिए यहाँ से ना रात भर काम चल रहा है सिटी में, अभी भी कनेक्शन चल रही है रोड्स की, के टाइम ना और भी ये काम करते हैं रोड्स में, ये देखिए वन साइड ट्रैफिक रखा है इन्होंने, और ये देखिए यहाँ पे वो डाला जा रहा है अभी, रोड्स ठीक कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन चल रही है घंटाघर के साइड, क्लॉक टावर जो है
ये देखिए जो ना जल्द से जल्द ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म करने की, और जब ये अच्छे से बनेगा ना फिर नाइट के टाइम देखता है यहाँ पे कितना चमकेगा ये क्लॉक टावर। यहाँ से भी भीड़ टूरिस्टों के। ये है लाल चौक, मतलब मेन मार्केट श्रीनगर सिटी का। यहाँ से देखे कोई चल भी नहीं रहा टीवी और मेरे बगैर। गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर में, धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोहल्ले में ना अभी सब सो रहे होंगे। ये देखिए पूरी गली खाली है अभी। तो फिलहाल करता हूँ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। गाइस बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए कितनी रात को हम घर आए। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।